नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस चैनल पर मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको पता है एसएससी जेई में 50 नंबर का एक सेक्शन आता है जिसमें आता है जनरल अवेयरनेस। अब भाई अगर आप टेक्निकल से हो तो यार आपको इन नॉन टेक्निकल की इतनी नॉलेज नहीं होती। अगर आप फ्रेशर हो या अभी तैयारी करने का चाह रहे हो एसएससी जेई की, भाई देखो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ ना तो जनरल अवेयरनेस भाई इसमें 8-9 सब्जेक्ट आते हैं और सिर्फ 50 नंबर का ये आता है। और बच्चों का जो सिलेक्शन रहता है ना, क्योंकि इसकी जो एसएससी जेई की लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो 158 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। अगर इनका बच्चों का जहाँ पर सिलेक्शन रहता है वो रहता है जनरल अवेयरनेस में। तो दोस्तों इन वीडियोज में मैं क्या बात करूंगा आने वाली, देखो ये वीडियो है जनरल अवेयरनेस में। सबसे पहले तो ये जान लो कि 8 सब्जेक्ट आते हैं। स्टैटिक जीके आती है, करंट अफेयर आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी 10th लेवल की आती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टैटिक जीके के कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने चाहिए। मैं हर सब्जेक्ट के आपको टॉपिक बता दूंगा। आपको एक बार ये पता हो जाएगा ना, ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक पढ़ने हैं तो फिर वो आसानी से आप कवरअप करोगे। तो ये 7-8 वीडियो मैं बनाऊंगा। 7-8 वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि यार जनरल अवेयरनेस में जैसे स्टैटिक जीके आता है तो स्टैटिक जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे पॉलिटी की, फिर आगे हिस्ट्री। ऐसे ही मैं अपलोड करूंगा 1 बाय 1, एक दिन छोड़ के ऐसे हम। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। तो दोस्तों मैंने ये एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ये टॉपिक लिखे हैं और इन टॉपिक को अगर आप कर लेते हो स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस में 7-8 नंबर की पूछी जाती है। अगर 7 क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए ना तो 7 क्वेश्चन में से आप 6 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। भाई देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। देखो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है ना वो सब आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कीम लॉन्च करते हैं, बहुत सारी स्कीम लॉन्च करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, ये सारी स्कीम मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ स्कीम्स होती हैं और इसके अंदर आपको भाई पता होना चाहिए कि ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये स्कीम कब से लेके कब तक वैलिड है, इन सभी और इस स्कीम के अंदर क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो ये स्कीम आप आराम से पढ़ लेना स्टैटिक जीके के अंदर। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसको हम हिंदी में कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं, भाई कैबिनेट मंत्री आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अर्बन एंड हाउसिंग मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, जितनी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है ना सारे मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए। कोई भी एक मिनिस्टर पूछा जा सकता है आपसे पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद भाई आप जिस एग्जाम जिस ईयर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अगर आप 2021 का अगर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो 2021 की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक रही हैं और उनके जो ऑथर रहे हैं वो आप पढ़ के जाना भाई। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, भाई स्टेट गवर्नमेंट स्कीम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम निकालती है वैसे ही स्टेट भी अपनी स्कीम निकालती है, तो हर स्टेट की स्कीम निकालती हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट स्कीम है एटलीस्ट वो तो पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर भाई मैं बात करूँ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया हिंदी में दोस्तों हम इसको बोलते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भाई आपको भारत के जितने भी नेशनल पार्क हैं ना सब पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क। जैसे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, माधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, या आपका धौली गंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि ये नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ठीक है। अगर आपको ये आप ये बोलोगे कि यार हम पढ़ें कहाँ से, देखो ये बुक वगैरह में भी मिल जाएंगे। देखो सबसे सरल तरीका है ये जितने भी टॉपिक है ना ऐसे ही टॉपिक आप यूट्यूब पे इन टॉपिक के नाम यूट्यूब पे डाल देना, यूट्यूब पे पूरी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप डालोगे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो जितने भी नेशनल पार्क हैं हर मतलब बहुत सारी वीडियो है नेशनल पार्क पर, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कितने नेशनल पार्क हैं, क्या है, कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हो। या आप जैसे कि डाल दो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बना रखी हैं वीडियो जो कि उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो। भाई नेक्स्ट बात करूँ जिस ईयर आप ना पेपर देने जा रहे हो अपना, अगर 2021 का एसएससी जेई दोगे तो उस ईयर का बजट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उस ईयर का बजट पढ़ के जाना। और भाई नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टॉपिक की तो वो है ब्रांड एम्बेसडर। भाई ब्रांड एम्बेसडर देखो सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है,
जो 6 महीने के अंदर न्यू अपॉइंटमेंट अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, वो आपको यार पता होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट यहीं पर हम बात करें ग्रैंड स्लैम्स, भाई जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो उस ईयर के ही पढ़ के जाने हैं जिस ईयर आपका पेपर है। अगर आपको 2021 में पेपर है तो 2021 के ग्रैंड स्लैम पढ़ के जाइए कि ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है, डबल सिंगल डबल टाइटल किसने जीता है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भाई मैं बात करूँ न्यू गवर्नर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द स्टेट। देखो गवर्नर वैसे तो आपको सभी करने हैं, गवर्नमेंट गवर्नर के साथ सीएम भी करने हैं हर स्टेट के, लेकिन आपको फोकस उन पे करना है जो न्यू अपॉइंटमेंट है, मतलब जो राज्यपाल है वो नए राज्यपाल जो नियुक्ति किए गए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। जो पुराने राज्यपाल हैं जिनको 2-3 साल हो चुके हैं उनको अगर आप एक बार इतना नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर जितने भी नए गवर्नर बने हैं, नए राज्यपाल बने हैं या नए मुख्यमंत्री बने हैं किसी स्टेट के, तो उनको यार बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि न्यू गवर्नर या न्यू आपके स्टेट के सीएम पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी एक पेपर हुआ था एसएससी जेई का जिसमें ये पूछा गया था कि जो पौंडीचेरी के न्यू गवर्नर हैं वो जो गवर्नर बने हैं वो किसको रिप्लेस करके बनी है, ठीक है, फीमेल है वो, तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको गवर्नर पढ़ना है जो हाल ही में बने हैं, साथ में आपको क्या करना है वो गवर्नर भी पढ़ने हैं जिनको रिप्लेस करके बने हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में नया गवर्नर बना है तो जो नया गवर्नर आया है वो आपको पता होना चाहिए और उसने किस गवर्नर को रिप्लेस किया है, मतलब उससे पहले कौन गवर्नर थे वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद भाई न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं उनके नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, नए सचिव जो अपॉइंट किए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। और भाई एंशियंट बुक, जितनी भी एंशियंट बुक है ना वो एंशियंट बुक और उनके राइटर वो अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि एंशियंट बुक देखो ज़्यादा नहीं है, 15 इंपॉर्टेंट बुक हैं, 10-15 आप यूट्यूब पर देखोगे तो मिल जाएंगी, 10-15 एंशियंट बुक हैं जिनके राइटर इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप देख के जरूर जाना, एक बार पढ़ लो इन सभी के, आप नोट्स बना सकते हो। ये टॉपिक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, इनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो भाई वो है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, आपको स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सारे पता होने चाहिए। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऐसे कि फीफा वर्ल्ड कप कब होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, या समर ओलंपिक कब होने वाले हैं, समर ओलंपिक किस कंट्री में होंगे, विंटर ओलंपिक कब होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक किस कंट्री में होंगे, तो ये सारे जो ओलंपिक से रिलेटेड सवाल है ना ये भाई आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको जैसे ओलंपिक से रिलेटेड हो या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या अभी कोई कोविड की वजह से जैसे कोई 2022 में होने वाला था वो अभी चेंज हो गई है उसकी डेट, वो आपको पता होनी चाहिए। और भाई इसके साथ साथ यार एक चीज़ और याद रखो कि जितने भी आपके टूर्नामेंट होते हैं, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, फीफा है, या जो भी है, जितने चेस है, बैडमिंटन है, इन सब के नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं ये भी कभी कभी सवाल आ जाता है, जो कि हम स्टैटिक जीके में इसको कवर कर सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ प्लेयर भी पता होनी चाहिए कि हॉकी में कितने प्लेयर खेलते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं, एक टीम का पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं। उसके बाद भाई मैं बात करूँ तो एक टॉपिक और आता है, वो है मिलिट्री एक्सरसाइज का। भाई मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एसएससी जेई में किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब ये है, जितने भी दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बोलते हैं, जितने भी युद्ध अभ्यास क्या होता है, 2 कंट्री के बीच में होते हैं, जैसे कि भारत या चाइना के बीच में, मतलब ये 3 कंट्री के बीच में भी हो सकते हैं कि 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो 2 कंट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमारी यूएई में एक वार एक्सरसाइज चल रही है जिसमें भारत ने आपका पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि जो एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम क्या है, तो कुछ फ्लैगशिप करके उसका नाम है, या कोई और अगर एक्सरसाइज चल रही है मिलिट्री एक्सरसाइज किसी और, हर स्टेट मतलब हर कंट्री के साथ होती है हमारी, ऑस्ट्रेलिया के हमारे साथ, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, रशिया के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ होती है, तो जिन जिन कंट्री के साथ हमारी युद्ध अभ्यास होता है, बांग्लादेश के साथ होता है, ठीक है, तो जिन जिन कंट्री के साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, सारी मिलिट्री एक्सरसाइज कब हुई है, कहां पर हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट डेज, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और साथ में यार ट्राई करो कि इंपॉर्टेंट डेज के साथ उनकी थीम भी याद कर पाओ, मतलब कि जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड कैंसर डे इस बार 4 फेब को सेलिब्रेट किया गया था उसका जो आपका थीम रही थी वो क्या थीम रही थी, तो भाई थीम अगर मैं वैसे थीम की बात करूँ तो आई एम एंड आई विल रही थी। आप ऐसे ही किसी भी डे का या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, या आपको डे और डेट दोनों दे दी जाएंगी और ये पूछ लिया जाएगा कि इस बार जो थीम रही थी वो थीम क्या रही थी। तो भाई यार थीम पर आजकल सवाल बनने लग गए हैं, तो यार थीम भी करके जाना अगर आपको जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद भाई नेक्स्ट में बात करूँ डैम्स ऑफ इंडिया, भारत के बांध। देखो भारत के बांध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डैम्स ऑफ इंडिया जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं डैम्स पढ़ने हैं। साथ में यार डैम्स के साथ एक चीज़ और पढ़नी है कि वो डैम्स किस रिवर पर सिचुएटेड है, ठीक है। जब आप ये पढ़ोगे ना, क्योंकि कभी तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वो डैम किस कंट्री किस स्टेट में है, तो आपका स्टेट का नाम आपको पता ही होना चाहिए। अब या मोस्टली अब सवाल कैसे बनते हैं कि वो डैम जो है वो किस आपके नदी पर है, किस रिवर पर है, तो यार आपको डैम की रिवर भी पता होनी चाहिए। और भाई इन सब की वीडियो यार ये टॉपिक के नाम जैसे डालोगे ना आप यूट्यूब पे डाल देना, आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन मत लेना। बस एक बार इन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, जैसे करना चाहो कर लो, लेकिन एक बार टॉपिक आपके पास रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे नेशनल पार्क पढ़ो तो साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर पढ़ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी भाई सवाल बनते हैं, वन्य जीव अभयारण्य जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। और यार नेशनल पार्क की मैं एक बात बताना भूल गया, नेशनल पार्क यार कभी कभी देखो एक सवाल और देखने को मिल जाते हैं एक तरह के, कि नेशनल पार्क आपका कोई नेशनल पार्क दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस एनिमल के लिए फेमस है, ठीक है। तो भाई यार वो याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है जैसे सभी की नहीं पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद है डांसेस इन इंडिया, भारत में जितनी भी डांस फॉर्म है वो पढ़नी है आपको। जैसे कि देखो कथकली पूछा जा सकता है कि कथकली किस स्टेट का है, लेकिन ये तो 7 है, ठीक है, यहाँ से अभी सब बच्चों को पता है तो ये थोड़ा सा इजी है, ये तो आपको पढ़ना है। साथ में आपको फोक डांसेस पढ़ने हैं, हर स्टेट के 3-4 डांस फेमस होते हैं, 3-4 डांस हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करो, हरियाणा की बात करो, या जैसे पूछ लिया जाएगा कि बिहू डांस किसका है, तो बिहू डांस अगर मैं बात करूँ तो असम का है। तो आपको फोक डांस पढ़ना है सिर्फ, और डांस फॉर्म भी पढ़ने हैं, दोनों टॉपिक आपको कवर करने हैं डांसेस में, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। और मेनली आपका दोस्तों फोक डांस से सवाल देखने को मिल रहे हैं अगर मैं 1-2 साल से बात करूँ। और भाई नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है संगठन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और यार उनके साथ एक चीज़ और याद करने की कोशिश करना, जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है ना वो किस ईयर में इस्टेब्लिश किए गए थे। अगर जैसे मैं पूछूँ WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यार आपको पता होना चाहिए कि WHO का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यूनिसेफ की, कि यूनिसेफ का कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ का कहाँ पर है। आपको UNSCR मतलब जितने भी हैं आपके ISO है, बहुत सारे हैं, कम से कम आप 40-50 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि आपको याद करने होंगे, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। या कभी कभी यार एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि उसके चेयरमैन कौन है, तो यार थोड़ा हाँ आप बोलोगे यार 7-8 नंबर के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस यार आप टेक्निकल में अच्छे हो सकते हो, टेक्निकल अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग अच्छा कर सकते हो, लेकिन यार अगर आप जनरल अवेयरनेस में अच्छा नहीं कर पाए ना, और अच्छा नहीं कर पाते हैं यार 90% लोग अगर कहीं रहते हैं ना तो वो जनरल अवेयरनेस में रहते हैं, क्योंकि यार हमें पता है हम टेक्निकल बनने हैं, हमें नॉलेज नहीं है यार ये सब की, लेकिन यार अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। आई होप दोस्तों आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये टॉपिक मैंने वो टॉपिक हैं जो यार रिवाइज होते हैं, 1-2 क्वेश्चन यार ऐसे टॉपिक से देखने को मिलते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो मतलब जिनको लिखना बेवकूफ़ी है क्योंकि उनसे रिपीट नहीं होते हैं हर बार, एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है जो नए टॉपिक से होता है, तो वो क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस में 35 से लेकर 40 नंबर स्कोर अपना टारगेट लेके चल रहे हो, या अगर उतना आप अचीव कर पाते हो, 35 नंबर अगर आप ले के आ सकते हो 50 में से, तो समझ लो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है फिर, अगर आपका टेक्निकल और रीजनिंग अच्छी है तो। चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पर आज खत्म करते हैं, आने वाली वीडियो में मैं और टॉपिक के नाम और सब्जेक्ट के टॉपिक के नाम बताऊंगा, तो वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।